हेलो दोस्तों, मेरा नाम रियाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल रियाज चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेस वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, ये एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को आप किस तरह से आपके मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ एक्सप्रेस वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, ये एप्लीकेशन में आपको अलग अलग वर्ल्ड वाइड सर्वर्स देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों गेमिंग सर्वर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको यहाँ पर आप इजीली तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके मोबाइल में। तो यूज़ करने का सही तरीका यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, यूज आप कैसे कर सकते हैं। एक्सप्रेस जो वीपीएन एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ल्ड वाइड सर्वर्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप वन टैप में ही यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आपको डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड भी दिखाई देंगी, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए करेंगे कुछ इस तरह से ओपन, और एक्सप्रेस वीपीएन एप्लीकेशन कुछ इस तरह से मोबाइल में ओपन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन होती है और वेलकम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और ये वेलकम आपका करती है। एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होती है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। एप्लीकेशन का नाम ऊपर के साइड में दिखाई देगा और नीचे की साइड में आपको दिखाई देगा टाइमर। तो दोस्तों, यहाँ पर जब एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप ये एप्लीकेशन को कितने टाइम तक के यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टाइमिंग आपको ये अच्छी खासी है, बता देता है कि आप कितने टाइम तक के यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, नीचे की साइड में आपको एक ऑन ऑफ का ऑप्शन दिखाई देगा। ऑन ऑफ के ऑप्शन पर जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, और परमिशन मांगने के बाद आप इसको इजीली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे के साइड में एक डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड दिखाई देंगी कि कितनी यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड मिल रही है, तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देती, तो उनको आप देख सकते हैं। ये अच्छी खास बात ये एप्लीकेशन की यहाँ पर आ जाती है। नीचे के साइड में आप देखेंगे तो आपको एक सर्वर की लिस्ट दिखाई देंगे। नीचे के साइड में आप सर्वर्स पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके ये एप्लीकेशन के जितने भी वर्ल्ड वाइड सर्वर्स है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, और दोस्तों इनमें से आप जो भी यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इनमें से आप जो भी यूज़ करेंगे आपको इनमें से एक सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका नाम आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑन ऑफ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑन ऑफ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, ये आपसे परमिशन मांगेगा, और परमिशन मांगने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आपको सर्वर लिस्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप चेंज सर्वर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको वीआईपी सर्वर्स भी दिखाई देते हैं। वीआईपी सर्वर्स में यहाँ पर आपको वीआईपी पास लेना होगा, उसके बाद ही आप वीआईपी को इनको अनलॉक कर सकते हैं। वीआईपी पास के लिए आपको यहाँ पर आपको देख लेना है, पहले आपका काम फ्री में हो जा रहा है तो आप फ्री में कर सकते हैं। थ्री लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट कंट्रीज, गेट प्रीमियम हेल्प और इम्प्रूव रेटिंग, और टेल योर फ्रेंड एप क्यू एन, उसके इसी के साथ साथ अबाउट सेक्शन और प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी एक्सप्रेस वीपीएन।